क्या है कि रूमी जाग जाए तो सेल पर गेम खेलने लगता है, हो सकता है उसने काट दिया हो। कब किया था फोन आपने? आई थिंक 8:30 बजे। दानिश साहब तो 7:45 बजे तक चले जाते हैं ना। जी, लेकिन आज वो 9 बजे गए थे। हाँ, उनकी आंख जरा देर से खुली। ओह, तो क्या करती रहती हैं घर पर आप? मतलब सोचता हूँ क्या करती होंगी आप। कुछ नहीं, बस रूमी के 10 काम, फिर घर के काम। तो क्या रूमी के लिए मेड नहीं रखी आपने? काम भी आप खुद करती हैं? अब नहीं करूंगी, सोच रही हूँ एक मेड रख लूँ। दानिश साहब सुनकर खफा तो हुए होंगे। क्या सुनकर? यही कि मैं आपसे फोन पे बात करता हूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, वो सुनकर खफा भी हो जाए, मुझे आप फोन करने से मना मत कीजिएगा। आयशा, मेरी नीयत बुरी नहीं है, आपकी आवाज अच्छी है, शक्ल अच्छी है, तो बस मैं आपकी आवाज सुनकर, शक्ल देखकर थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता हूँ। यूँ समझिए कि थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। क्या हुआ था? देखा ना, निकल गया ना मुंह से। But I'm sorry, I don't like sympathies. बताइए ना क्या हुआ था? 9:00 बजे मुलाकात हो। हेलो। अक्सर तो दिल करता है कि मैं आपकी हेलो सुनूं और फोन बंद कर दूं। क्यों? मेरे लिए बस इतना ही काफी है, या फिर शायद मैं इससे ज्यादा डिजर्व नहीं करता। एक बात पूछूं? जी। उसको भी मालूम है कि आप इतनी खूबसूरत हो, या फिर हाथ में आई हुई बीवी समझता है आपको? अरे नहीं नहीं मालूम है उसको भी, कहता है कि मैं खूबसूरत हूँ बहुत। अच्छा, आप कुछ बताते बताते रुक गए थे, फिर फोन भी काट दिया। बताइए ना क्या हुआ था आपके साथ? डिनर पे बताऊंगा। नहीं, फोन पर बताइए ना। डिनर पर दानिश भी होगा साथ, पता नहीं उसको सुनकर कैसा लगे। अरे वो उस वक्त पास कहाँ होगा? तो फिर भूल है आपकी, वो मुझे आपके पास छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। शायद वो आ गए। अच्छा सुनिए, टैक्सी पे मत आइएगा, मैं 8:30 बजे गाड़ी भेजूंगा। ओके, बाय बाय।